हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएचएसएल 2021 के बारे में। रिसेंटली आपका सीएचएसएल 2021 का रिजल्ट आया था, मैंने बताया था, मैंने क्वालिफाई भी किया है। तो इसका डीवी आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग जोन में अलग अलग डेट से डीवी स्टार्ट है। मैक्सिमम जोन का 27 तारीख को डीवी स्टार्ट है और नॉर्थन जोन का डीवी वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली वालों का। तो 28 तारीख को मेरा भी डीवी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने करवाया था और एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैं अपने दोस्त का करवा के आया था सचिन का। उसका जो रिव्यू था कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बना के बताया भी था आपको। सीजीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मैंने करवाया था तो मैंने अपना रिव्यू भी आपको दिया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। एक बार मैं आपको रिव्यू दे दूंगा, क्विक बता दूंगा तुरंत तुरंत कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपके सही है नहीं है, या फिर कोई आपकी मिस्टेक हो रखी है किसी डॉक्यूमेंट में, पापा का नाम अलग है, मम्मी का नाम थोड़ा अलग है या एड्रेस अलग है, तो उसका क्या जुगाड़ होता है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और साथ में हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरनी है। काफी लोगों को डाउट है, घर से ही आपको फॉर्म लेकर जाना होता है जिसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी होती है कि कौन कौन सी पोस्ट आप प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको काफी दिक्कत आ रही होगी कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरनी है, दिल्ली में जॉब चाहिए तो क्या भरें, अपने होम स्टेट में जॉब चाहिए तो क्या भरें, ठीक है। आगे तैयारी करनी है, टाइम सही मिले, तो वो सब भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डीवी के टाइम पर लेकर जाने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ है वो लेकर जाना है। उसमें तीन पेजेस होंगे, बीच वाला जो पेज है जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तीनों पेज ले जाइएगा, उसका जो एंड वाला पेज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीनों पेज का प्रिंट आउट आप ले जाएंगे, कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, जो आपका मन हो वैसा उसका प्रिंट आउट आप ले जाना। साथ में अपनी तीन फोटो डाल लेना, यहाँ पे दो फोटो लिखी होंगी लेकिन अपनी तरफ सेफ साइड के लिए तीन फोटो ले जाइएगा। कोई भी फोटो ले जा सकता है, ये नहीं है कि जो आपने एडमिट कार्ड में फोटो लगाई थी वही ले जानी, नहीं, अभी की रिसेंट की फोटो है नई कोई तो वो ले जाएगा। बस ऐसी फोटो ले जाएगा जिसमें आपकी शक्ल और फोटो मैच करती हो, ये नहीं कि फोटो बिल्कुल आदम जमाने की हो और अभी आप अलग दिखते हो बिल्कुल, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड इन्होंने क्या बोला, फोटो कॉपीज लेके आनी है। किस किस की फोटो कॉपी ले जानी है आपको, अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, इनकी फोटो कॉपी ले जानी है, ठीक है। तो 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो भी उसका सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी वहां पर नहीं चाहिए होगी। तो 10th 12th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल ले जाइएगा, साथ में उसकी फोटो कॉपी ले जाइएगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है कि कई सारे बोर्ड्स होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड में 10th में दो सर्टिफिकेट शायद आपको मिलते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में 10th के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, वही मार्कशीट भी होती है और वही सर्टिफिकेट भी होता है, पासिंग सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। जैसे 12th में अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं तो आपको पता होगा 12th में दो सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक होती है आपकी मार्कशीट और एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो अपने बोर्ड के हिसाब से जो भी आपके स्टेट बोर्ड में मिलती है सर्टिफिकेट वो सारे ओरिजिनल और उनकी दो दो फोटोकॉपी अपने साथ जरूर ले जाइएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कई लोग मार्कशीट ले जाते हैं फिर पासिंग सर्टिफिकेट नहीं ले जाते, कई लोग पासिंग सर्टिफिकेट ले गए लेकिन मार्कशीट नहीं ले गए, तो वो इशू ना हो, आपके बोर्ड में जैसे जैसे सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके जाइएगा। अपना यार दोस्त है कोई उससे कंफर्म कर लीजिएगा कि हमारा जो बोर्ड था, हमारा जो स्कूल था, वहां पर एक ही सर्टिफिकेट दे रहे थे या फिर दो दे रहे थे, ठीक है, या फिर आपकी जो मार्कशीट होगी उसके ऊपर लिखा होगा ये मार्कशीट है या फिर मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट मतलब दोनों सर्टिफिकेट एक में ही इन्वॉल्व है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जरूरी बात जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होती है, जैसे आपके पापा का नाम मान ले संजय है, संजय पाल लिखा है एक जगह संजय लिखा हुआ है, एक जगह पाल नहीं लिखा हुआ, तो उसके लिए आप एफिडेविट लेकर जाएंगे, ठीक है। एफिडेविट कहीं से भी जो लोकल साइबर कैफे की दुकान होती है वहां पे बन जाते हैं, मोहर वोहर लगा के वो लोग बना देते हैं, उसमें उनको बोल दीजिएगा कि मेंशन करना है कि संजय पाल और संजय जो है ये दोनों एक ही इंसान है, ठीक है। एफिडेविट बनवा के आप ले जाएंगे तो कोई वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, डीवी में आप रिजेक्ट नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी दिक्कत है आपके एड्रेस में, कोई वर्ड मिसिंग है आपके पापा के नाम में, जैसे संजय नाम था तो एस के बाद एन लिखा है एक जगह, एक एस एन लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा, इससे आपकी वहां पर दिक्कत नहीं आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10th का सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, उसके बाद आपको अपना ले जाना है जो आपका एज सर्टिफिकेट है, अगर आप सॉरी एज नहीं कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट और उसकी दो फोटोकॉपी, ओबीसी से है तो उसका सर्टिफिकेट, एससी एसटी के हैं तो उसका सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बताया था, ईडब्ल्यूएस जैसे 2021 में फॉर्म आया था तो 2021-22 वाला जो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट है वैलिड ईयर वाला वो आपको लेकर जाना है, ठीक है, जिसमें 2020-21 की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी गिवन होंगी। तो जिस साल आपने फॉर्म फिल करा था, जिस साल एप्लीकेशन आए थे, उस साल का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इशू कब हुआ था, तो अगर जब फॉर्म आए थे निकले थे उससे पहले इशू हुआ था तो बहुत अच्छा है, उसके बाद भी आपने इशू करवाया है
तो भी चल जाता है, ऐसी खास दिक्कत नहीं आती है। जो मैंने सीएसएल सीजीएल के टाइम पे करवाया था वहां पे वो डेट जरूर देख रहे थे, लेकिन डेट का ऐसा रोल नहीं था। ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि डेट उन्होंने ऐसे ही पूछी थी रैंडम, ऐसा इशू डेट का कोई ज्यादा वहां पे चक्कर नहीं होता है। तो आपने फॉर्म निकलने के बाद भी अगर बनवाया था लेकिन वो उस पूरे साल के लिए वैलिड है तो भी आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। और आपके एसडीएम या तहसीलदार से साइन है तो वो चल जाएगा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ओबीसी एससी एसटी का भी आपको पता होगा, वो भी इशू हो जाता है। और जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है, अगर अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो उसके जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है। दो दो फोटोकॉपी अपनी तरफ से सेफ साइड के लिए आप रख लीजिएगा। तो ये पूरा चक्कर है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। अपने पापा का क्या ले जाना है, मम्मी का कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो कुछ नहीं ले जाना है, उनकी फोटो वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। अपनी दो फोटो सॉरी तीन फोटो ले जाना, दो फोटो मांगे तीन ले जाने सेफ साइड के लिए, और अपना आधार कार्ड जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी मेंशन हो, सिर्फ डेट ऑफ ईयर मेंशन ना हो जाए। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो उसमें सिर्फ 2000 ना लिखाओ, उसमें पूरा जो तारीख है पूरी, जैसे 1 दिसंबर 2000। ठीक है, ऐसे पूरा मेंशन हो वो ले जाना है। अगर उसमें नहीं है तो अपना जो पहचान पत्र है या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है वो आप ले जाइएगा, उसकी भी एक दो फोटोकॉपी के साथ डाल लीजिएगा, सही रहेगा। ठीक है, ये है सीएसएल या टीयर वन का एडमिट कार्ड ले जाना है नहीं ले जाना, टीयर टू का एडमिट कार्ड ले जाना है ले जाना, तो वो कुछ नहीं ले जाना, उसकी कुछ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो मैंने तीन चार डॉक्यूमेंट बताया आपको वही ले जाने हैं। ठीक है, अपनी फोटो, अपना एडमिट कार्ड, अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और अपने कास्ट सर्टिफिकेट, बस इतना लेकर जाना है और कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं लेकर जाना है। तो ये हो गई पूरे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या ले जाना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। और डिटेल में डॉक्यूमेंट जानने हैं आपको तो सीजीएल से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी मैंने, या एमटीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एसएससी के जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो सब लगभग लगभग सेम ही रहते हैं, बस क्या होता है जितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी होती है उस हिसाब से, बस 10th का सर्टिफिकेट कहीं ज्यादा चाहिए होता है, कहीं 12th का चाहिए होता है, कहीं ग्रेजुएशन का चाहिए होता है, बस यही फर्क होता है, बाकी सब प्रोसेस एकदम सेम रहता है। ठीक है, बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको प्रिंट आउट जो उसका है वो घर से लेकर जाना है, दो प्रिंट आउट उसे निकलवा लीजिएगा। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में भरते हैं तो एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हमारा खराब हो जाता है तो दूसरा हम वहां पर सही से भर पाए, इसलिए दो अपने सेफ्टी के लिए निकलवा लीजिएगा। उसको भरना कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले तो बात करते हैं पीएसए के बारे में, पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इसकी वैकेंसी देखिए स्टेट वाइज आती है काफी सारी, और ज्यादा वैकेंसी पीएसए की आती है, तो इसमें आपको मैक्सिमम चांस है कि आपका होम स्टेट मिल जाए। अगर आपकी कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा आपकी कैटेगरी में आपके ज्यादा नंबर है तो पीएसए का होम लोकेशन मिलने के आपको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी में जो नंबर गए ना वो 200 गए हैं, ठीक है, कट ऑफ, और आपके 199 के आसपास है तो आपको पीएसए होम लोकेशन मिल जाएगी। लेकिन आपकी कैटेगरी ओबीसी है, 200 उसी कट ऑफ गई है और आपके नंबर 202 हैं, तो आप यूआर में काउंट हो जाएंगे और पीएसए आपको साउथ मिलेगा। ये मैंने बहुत ज्यादा सुना है, अपने सीनियर से मैंने बात करी तो उन्होंने ऐसा बताया, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कैटेगरी में ज्यादा मार्क्स हैं तो आप पीएसए को ऑप्ट करें, आपको होम लोकेशन मिलने के मैक्सिमम चांस रहेंगे। अगर आपके आपकी कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स हैं तो आप पीएसए को ना लें, मिनिस्ट्री की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको मिनिस्ट्री में सही जगह जॉब मिल सकती है, लेकिन पीएसए वाले आपको साउथ में जॉब दे सकते हैं, ऐसी दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीएसए में स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, आपकी जो कैटेगरी है उसमें आपके सही नंबर आ रहे हैं तो आप उस पीएसए को ऑप्ट कर सकते हैं। पीएसए में दिल्ली में आपने देख ली होंगी लगभग 37 वैकेंसी है, झारखंड में कितनी, आंध्र प्रदेश में कितनी है, वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, या आप जो इसकी पीडीएफ वगैरह है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर देखकर आराम से जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है भर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्रीज की जॉब में चांस होते हैं कि दिल्ली में जॉब मिल जाएगी, लेकिन सभी मिनिस्ट्री दिल्ली में जॉब नहीं देती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई सारी मिनिस्ट्री दिल्ली से बाहर भी जॉब्स आपको देती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले पीएसए और मिनिस्ट्री में फर्क क्या है। पीएसए में आपको 6 दिन जॉब पे जाना होता है, सैटरडे को ऑफ नहीं होता है, और मिनिस्ट्री में आपको 5 दिन काम करना होता है, संडे और सैटरडे आपका ऑफ रहता है। तो थोड़ा वर्कलोड पीएसए में ज्यादा होता है, एलडीसी में कम होता है। ठीक है, वर्कलोड जो 6 दिन जाना उसमें भी जो काम होगा वो भी पीएसए में ज्यादा मिलेगा आपको काम, और एलडीसी में थोड़ा कम काम होगा। फायदा क्या है, पीएसए में आपको 10,000 रुपए और इसके आसपास वेरिएशन रहता है तनख्वाह का। पीएसए में आपको ज्यादा 10,000 रुपए मिलेंगे और एलडीसी में आपको 10,000 रुपए कम तनख्वाह रहती है। ठीक है, थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट पीएसए का, अगर आप किसी जेड सिटी में, वाई सिटी में, तो पीएसए का वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा बेकार हो सकता है, लेकिन एलडीसी जो होती है मिनिस्ट्रीज की जॉब, वहां पे जो वर्क एनवायरनमेंट होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, जो ऑफिसेज होते हैं वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो ये फायदा रहता है। एलडीसी में कम तनख्वाह रहती है लेकिन प्रमोशन काफी सही रहते हैं। ठीक है, काफी सारी मिनिस्ट्रीज के प्रमोशन बहुत तेज है एलडीसी में, उनका हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको पोस्ट चाहिए दिल्ली में, ठीक है, तो आप मिनिस्ट्रीज को ऑप्ट करेंगे। कौन कौन सी मिनिस्ट्री की 100% दिल्ली में ही जॉब मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, 28 नंबर
जो जॉब जो पोस्ट लिखी है वो है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इसमें लिखी हुई है किस मिनिस्ट्री में किस कितनी कितनी वैकेंसी है, यूआर की, ओबीसी की, एससीएसटी की, ठीक है। तो इसमें 28 नंबर जो पोस्ट देखेंगे वो एमईए है, उसकी वैकेंसी आप देख लीजिएगा। इसमें आपको 100% दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। दूसरा है तटरक्षा मुख्यालय, ये इंडियन कोस्ट गार्ड, 49 नंबर पोस्ट है ये, चेक कर लीजिएगा इस लिस्ट में। इसमें आपको दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट है आपका एएफएचक्यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसमें थोड़ा डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है आपकी, आपको फोन वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 25 नंबर पोस्ट है आपकी। नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीएट, पहला नंबर जो आपको पोस्ट दिखेगी ये आपको दिल्ली में 100% जॉब देगी। नेक्स्ट है आपकी ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें मैक्सिमम टाइम आपको दिल्ली मिलती है, 100% मैं नहीं कह सकता हूं, ठीक है। 15 नंबर जॉब पोस्ट है, इसको थोड़ा लास्ट में भरिएगा, पहले जो 100% वाली है वो भरनी है आपको। हेल्थ सर्विसेज 11 नंबर पोस्ट है, इसमें आपको 100% दिल्ली जॉब मिलेगी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर ही पीएससी भी आता है, लेकिन एलडीसी की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जॉब भी निकालता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 21 नंबर पोस्ट, इसमें भी आपको दिल्ली जॉब मिलेगी। ये सारी मिनिस्ट्रीज आपको 100% दिल्ली जॉब देंगी। एक बार रिपीट कर देता हूं, एमईए, तटरक्षा मुख्यालय, एएफएचक्यू, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट सेक्रेटरीट, हेल्थ सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसमें इनको आपको सबसे पहले भरना है अगर आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद, अगर आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं तो पहले तो इनको भरा, इसके बाद जितनी भी मिनिस्ट्री है उन सबको भर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर मिनिस्ट्री की जॉब आपको दिल्ली में मिलती है, दिल्ली से बाहर मिलने के बहुत कम चांस होते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इन सबको लिस्ट से वहां पे भर दें, ठीक है। उसके बाद बात करें, एक दो जो है उनका मुझे आरटीआई रिप्लाई मिल गया था, दूसरे चैनल वगैरह मैंने चेक करे तो उन पर मुझे मिल गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स में आपने देखा होगा 587 वैकेंसी है, मैक्सिमम वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की है, लेकिन इनकी जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये आरटीआई रिप्लाई मुझे मिला था, ऑथेंटिक लग रहा है मुझे, तो दिल्ली में सिर्फ 6 वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स की, बाकी चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में आरटीआई रिप्लाई के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स को आप ऊपर ना भरे अगर आपके कम मार्क्स हैं तो, वरना क्योंकि आपको कोलकाता, चेन्नई या मुंबई वगैरह मिल सकता है जो कि आपके घर से बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चंडीगढ़ में भी अच्छी वैकेंसी है हाउसिंग अफेयर्स में, तो चंडीगढ़ ही मिल जाएगा, ज्यादा दूर आपके लिए नहीं रहेगा। नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स, डीओई, इसमें सिर्फ 11 वैकेंसी और एक भी वैकेंसी दिल्ली में नहीं है, तो इसको ऊपर मत भरिएगा। कुछ जो हम सेफ अपनी तरफ से खेल सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में गलती ना हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक गलती करिए अपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में और आपको दिल्ली चाहते थे आप, जो नॉर्थ लोकेशन चाहते थे उसकी जगह आप साउथ पहुंच जाएंगे, तो एक साल बर्बाद ना हो, लास्ट आपका स्टेज है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, कई लोग देख रहे होंगे सीबीआई, आईबी, ईडी, नारकोटिक्स, पावरफुल पोस्ट लगती है, एकदम नाम सुन के इन डिपार्टमेंट का खौफ सा ज्यादा है ना, तो इनमें देखिए दिल्ली में जॉब मिलती है 100% ऐसा कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, दिल्ली मिलने के चांस होते हैं, लेकिन ऑल इंडिया पोस्टिंग है, इस बात को ध्यान में रख के पोस्ट रेफरेंस में इनको नाम भरिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 19 नंबर पोस्ट है, चेक कर सकते हैं। ईडी 16 नंबर पोस्ट है, नारकोटिक्स 42 नंबर पोस्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे। इनमें सबसे ज्यादा प्रमोशन जो होता है, सबसे फास्ट जो मैंने सुना है, वो ईडी में होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इसका प्रमोशन जो होता है सबसे फास्ट होता है। और ये तीनों जो मैंने बताई, आईबी, ईडी, नारकोटिक्स, में फील्ड जॉब होती है, तो कई लोग परेशान होते हैं ना, बैठे बैठे एक जगह कंप्यूटर पर आग लगा लगा परेशान हो जाते हैं, तो फील्ड की जॉब चाहिए तो आप इन तीन को भर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया पोस्टिंग इनकी, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीजे की पोस्ट आती है, उसमें भी दिल्ली मिलने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। ये कुछ बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट थी वो मैंने आपको बता दी है। और फील्ड जॉब कई लोग पूछते हैं फील्ड जॉब कौन सी है जिसमें थोड़ी पावर भी अच्छी हो, तो सीबीआई भर सकते हैं आप, आईबी भर सकते हैं, ईडी भर सकते हैं, नारकोटिक्स भर सकते हैं, ये काफी सही पोस्ट है जिसमें फील्ड जॉब भी मिल जाएगी आपको। दिल्ली मिलने के चांस है लेकिन कंफर्म नहीं है कि दिल्ली मिले आपको, ठीक है। इनकी जो पोस्ट वगैरह है, कितने कितने कितनी वैकेंसी है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये पूरा था, मेरे ख्याल से मैंने आपको मैक्सिमम चीजें कवर अप कर दी है। जो भी आपको YouTube पे मिलेगा ना कि पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड, वो सारी चीजों का सार जो था वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे खुद फॉर्म भरना है, तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, ठीक है, और जो मेरे दोस्तों ने करी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी एक जगह मैंने आपको यहाँ पे दे दी कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है भरते टाइम पे, ठीक है। प्रमोशन कहाँ फास्ट होते हैं मिनिस्ट्री में, तो आप सभी को पता है एमईए का नाम आपने सुना होगा, काफी बड़ी मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे थोड़े प्रमोशन फास्ट है, एक अच्छा वर्क एनवायरमेंट है, ठीक है, फॉरन जाने का चांस भी आपको यहाँ मिल जाता है। और कैबिनेट सेक्रेटरीट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, ये काफी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में अच्छी खासी जॉब होती है एलडीसी की, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था पूरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। आई होप आपके लोग वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो। एक बार दोबारा देख के नोट कर लीजिएगा जो भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में है, फिर उसके बाद आराम से बैठकर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म डिस्कस करके अपने साथियों के साथ तब भरिएगा, ठीक है, ताकि बाद में ऐसा रिग्रेट ना रहे कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म गलत भर दिया, इस चक्कर में जॉब जो थी वो बहुत दूर मिल गई या जो मैं नहीं चाहता था वो जॉब मिल गई, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ भी डाउट हो तो नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी,
उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।